यहाँ छोटी बड़ी अनेक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जलप्रपात है, दर्जनों खदानें हैं। उपरोक्त स्थिति में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इको टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म के अलावा एडवेंचर टूरिज्म जैसे राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, लॉन्ग चिलिंग रैपलिंग और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर क्या माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है? यदि है तो कृपया करके मंत्री जी उसको विस्तार में बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उत्तर में कहा था वो माननीय सदस्य को मालूम भी है कि वहाँ पर इको टूरिज्म, इको सर्किट का काम चल रहा है, आध्यात्मिक सर्किट का भी वहाँ पर काम चल रहा है। प्रसाद योजना में देवघर के लिए भी एक बड़ा टेंशन वहाँ पर है। मेलों को लेकर भी हमने लगातार झारखंड को बैठा दिया है। मैम, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ कि योजनाएं जब पहले पूरी हो जाए तब दूसरी हम योजना को लेके राज्य सरकार को प्रस्ताव देगी, जो माननीय सदस्य देंगे उसको मैं जरूर सकारात्मक तरीके से विचार करूंगा। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला में बंशीधर नगर है, जहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति मराठों के जमाने की है। ये राधा कृष्ण की मूर्ति प्योर गोल्ड की बनी हुई है और इसका वजन 32 मन है। इस प्रकार की कोई भी मूर्ति दुनिया में अन्यत्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या बंशीधर नगर को श्रीकृष्ण सर्किट से जोड़ना चाहेंगे? अच्छा जी, पहले तो मैं उस मूर्ति के बारे में जानकारी देकर पहले एएसआई से कि वो लिस्ट में है कि नहीं, ये बाकी वाली योजनाएं तो राज्य सरकार से जब आएंगे तब हम काम कर पाएंगे। पर मैं जो माननीय सदस्य ने कहा है उसकी जानकारियां विस्तृत जरूर लेकर उनको दूंगा। निशिकांत दुबे, अध्यक्ष महोदय, झारखंड और खासकर आंध्र प्रदेश जो है, अध्यक्ष महोदय, वो टूरिज्म के लिए मैं आपको बताऊं कि ये रिसर्च का एक बड़ा विषय है। एक तरफ जहां मंदार पहाड़ है, दूसरी तरफ वहां 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल है और उसी तरह से चंपा पूरी ऐसा है जहां की भगवान वासुपुज जो जैन धर्म के हुए वो वहीं निर्वाण प्राप्त किए। तो पारसनाथ, देवघर, तारापीठ, त्रिकूट, मंदार और चंपापुरी और विक्रमशिला बटेश्वर स्थान का एक सर्किट बनाने के लिए वर्षों से मांग चल रही है और इससे झारखंड का टूरिज्म बूस्टअप होगा, जिससे लोग जो है ज्यादा रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। सिंगापुर और लंदन जैसे ऐसे देश हैं जो कि दिखाई दे रहा है कि टूरिज्म से उनको पैसा पड़ रहा है, लेकिन झारखंड सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है, जिसके कारण कि मंत्री जी ने कहा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, यदि कोई राज्य टूरिज्म में इतना कॉम्पिटेंट हो लेकिन यदि उसकी राज्य सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पा रही है और टूरिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो क्या केंद्र के पास कोई ऐसी योजना है कि डायरेक्ट वो पैसा देकर वहाँ के टूरिज्म को बूस्टअप कर पाए? अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि झारखंड प्राकृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, पर जैसा मैंने आपको पहले बताया मूल प्रश्न में कि वहाँ पर लगातार योजनाएं चल रही हैं। ये बात साफ है कि सरकार ये चाहती है कि योजनाओं को समय पर पूरा करें तब हम दूसरी योजनाओं को स्वीकृत करें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव होगा, कभी ऐसा होगा तो उस पर जरूर विचार करेंगे। जगदम्बा पाल जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने हमारी सरकार के द्वारा स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम के अंतर्गत जो देश के महत्वपूर्ण स्पेसिफिक थीम के आधार पे पर्यटन के इंटीग्रेटेड बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम है, उसमें आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, 2014 और 15 में ये स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम दोनों शुरू ही हमारी सरकार में, और उन्होंने 5 सर्किट